से आपको देख पाएंगे कि झरना बह रहा है यहाँ पर, और बहुत प्यारा सा झरना बह रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं महादेव जी के मंदिर के एग्जैक्ट सामने। तो अभी हम मंदिर से दर्शन करने के बाद में अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर, पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी यहीं पे है। तो दोस्तों यहाँ पर बने हुए कुंड कुछ इस तरह के। तो दोस्तों ये है अपने महादेव जी के मंदिर, और उनके चरणों में सामने ही बैठ के हम लोग सब यहीं पर आ। नमस्कार, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो दोस्तों एक और वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, और आज सुबह 4 बजे से शुरुआत हो रही है एक ब्लॉग की। आज हम लोग करने वाले एक ट्रैवलिंग वाला वीडियो, आप टाइम देख पाएंगे तो सुबह के 4 बज पा रहे हैं, और अभी हम लोग निकल चुके हैं, 4:30 बज चुके हैं, हमारी लग्जरी भर चुकी है। और आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं अंबाजी, कोटेश्वर, और साथ में ही जाएंगे हम लोग उमिया माता के ऊंजा गांव में। तो 3 जगह के मंदिर के ट्रैवलिंग का ब्लॉग बनाने वाला हूँ, और पूरा एक्सप्लोरिंग ब्लॉग है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलो अंबे माते की जय। अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे पहले स्टॉप के ऊपर, और ये है इडर के अंदर। आप देख पाएंगे मेरे पीछे बस खड़ी है। अभी हम लोगों ने पहला जो स्टॉप लिया है वो चाय पीने के लिए लिया है, और सुबह हम लोगों को 3 बजे की तैयारी थी निकलने की, लेकिन आप समझते ही है कि फैमिली वाले बच्चे वाले जो टूर में निकलते हैं, करते करते हम लोगों को 4:30-4:45 हो गए, और बस हमारी 5 बजे रवानी हुई। और अभी हम लोग लगभग आप देख पाएंगे टाइम हुआ है 4:34 हुए, और अभी हम लोग स्टॉप पर खड़े हैं और चाय पी लेते हैं, और इसके बाद में आगे यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोटेश्वर महादेव के मंदिर पे। तो दोस्तों ये अंबाजी जो कोटेश्वर है, ये अंबाजी वाला एरिया मूर्ति बनाने के लिए पूरे विश्व में बहुत प्रख्यात है। एशिया का नंबर 1 एरिया आता है जहाँ मार्बल से, बड़ स्टोन से मूर्ति बनाई जाती है। देखिए आप देख पाएंगे पूरा मार्केट मूर्ति का ही है। तो कुछ इस तरह से आपको देख पाएंगे कि झरना बह रहा है यहाँ पर, और बहुत प्यारा सा झरना बह रहा है यहाँ पर। और ये ऊपर से जो कुंड है सरस्वती कुंड, वहां से आ रहा है ये पानी। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महादेव जी के मंदिर के एग्जैक्ट सामने। कुछ प्यारा सा ये वाला मंदिर है, और बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अभी देखिए आप देखिए भक्तों की लाइन लग चुकी है। तो अब पहले हम लोग चलेंगे महादेव के चरणों में दर्शन करने के लिए, फिर जाएंगे हम लोग ऊपर। चलो बहन बच्चे ना ऊपर हो, बहन आप बंद करो वीडियोग्राफी, बंद करो वीडियोग्राफी। तो अभी हम मंदिर से दर्शन करने के बाद में अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर। माना जाता है कि यहाँ पर एक बहुत कुंड है, और यहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी यहीं पे है।
तो अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर वाले भाग में और आप देख पाएंगे कि जो इसके पास में ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सीधा जो अपने महादेव जी की मूर्ति है उसके ऊपर सीधा ही जल अभिषेक होता है वहाँ पर ऊपर, वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये कुंड है, तो दोस्तों यहाँ पर बने हुए कुंड कुछ इस तरह के, और आप देख पाएंगे तो नीचे की साइड में महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान करते हैं और यहाँ पर पूरी व्यवस्था भी दे रखी है, पीछे चेंजिंग रूम भी दे रखा है, आप चाहे तो यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत भीड़ लगी हुई है और हम लोग भी चलते हैं और यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी शूट चालू है और महादेव जी की एक मूर्ति लगी हुई है, बहुत से लोग यहाँ पर पानी चढ़ाते हैं और हाथ पैर धोते पवित्र हो रहे हैं, हम लोग भी जल अभिषेक कर लेते हैं महादेव जी का। तो दोस्तों ये है कोठेश्वर महादेव जी का मंदिर और जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ बहुत गजब की लोकेशन है, आप मेरे पीछे देख पाएंगे, ये है सरस्वती नदी का कुंड और यहाँ पर जो साबर ये सरस्वती नदी है ऊपर से बहकर आ रही है और यहाँ पर गौमुख के अंदर से निकल रही है, फिर यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहीं से लोटा भर के महादेव जी को अर्पण करते हैं, इसके बाद में ये नदी यहाँ से चालू होती है सरस्वती नदी और आप देख पाएंगे तो बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और चढ़ा रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं और नदी जो है वो कुछ इस तरह से ऊपर से आ रही है, तो आप देख पाएंगे ये कुछ इस तरह का कुंड है और यहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल वहाँ से है और यहाँ पर कुंड के अंदर से पानी नीचे होता है, ये ऐसे होकर नीचे जाता है और नीचे मंदिर के नीचे जाकर झरने के बाद में नदी बन जाती है और माना जाता है कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की जो शुरुआत लेखन की शुरुआत यहीं से की थी और बहुत पवित्र स्थान है, आप भी आते हैं तो अंबाजी के जस्ट 5 किलोमीटर पहले पड़ता है ये, तो आपको कुछ अद्भुत दिखाऊं, तो आप देख पाएंगे ये है अपने महादेव जी का मंदिर और ये है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और यहाँ से आप देख पाएंगे तो जो कुंड है वो गौमुख के अंदर से पानी निकल रहा है, फिर वहीं शिवलिंग है जो पवित्र में पानी चढ़ा रहे हैं वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद में ये कुंड के अंदर पानी जाता है, फिर यहाँ से झरने के रूप में आगे चला जाता है और फिर आगे से नदी का रूप ले लेता है, तो कुछ इस तरह का है। और ये लोकेशन कौन सी है अगर आप लोग पहचान गए हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और ऐसे और वीडियो आपको देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल को सब्सक्राइब जरूर करें, पूरा वीडियो देखना है तो यूट्यूब चैनल हैप्पी जर्नी को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। आएंगे ऊपर वाले भाग में और यहाँ पर कुछ धर्मशाला और बैठने का विश्राम स्थली बनी हुई है और सब लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और ये है मंदिर। ओके, तो दोस्तों ये है अपने महादेव जी के मंदिर और उनके चरणों में सामने ही बैठ के हम लोग सब यहीं पर आज दोपहर का भोजन करने वाले हैं, आप देख पाएंगे तो पूरा हम मंडल यहाँ लगा हुआ है, थोड़े से लोग को आपको मैंने दिखाया था ऊपर की साइड में बैठे हैं और अभी दोपहर का भोजन कर लेते हैं फिर अपनी यात्रा जारी रहेगी आगे की साइड में। तो फाइनली दर्शन करके हम लोग नीचे आ गए हैं और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी जर्नी को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन में ऑल दबाएं जिससे आपको नए नए वीडियो और नए अपडेट मिलते रहे। आप तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक का नाम भी हैप्पी जर्नी है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और पूरी अपडेट ले सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मेरे साथ में बोलिए हर हर महादेव, जय हिंद वंदे मातरम।